हाय मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसा कि जानते हैं, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की जो इस समय एग्जाम चल रहे हैं बीएड का, और आज जो है पहला पेपर था 20 मई को। तो जैसा कि आप पेपर देखे होंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने बताया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। अगर खासकर कोई लड़का वही पढ़ के गया होगा तो वो उससे भी वो अच्छे से पेपर उसका भी गया होगा। और मैंने कितना क्वेश्चन किया, तो मैंने तो क्वेश्चन तो सारे किए हैं। कितने पेज में मैंने क्वेश्चन किया, तो जहाँ तक 2 नंबर का क्वेश्चन था उसको मैंने हाफ हाफ पेज में किया है। और इसके बाद जो है 5 नंबर का जो पांच क्वेश्चन जो है 8 नंबर की थे उसको मैंने 2-2 पेज में किया है। और इसके बाद जो है 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, तो वो 15-15 नंबर के जो 2 क्वेश्चन थे उसको मैंने 4-4 पेज में किया है। तो ऐसा कुछ रहा मेरा एक्सपीरियंस पेपर का। और मैंने जो है पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अधिकतर क्वेश्चन जो है मेरा पढ़ा हुआ ही था, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताया था उससे ही काफ़ी क्वेश्चन जो है फंस गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है पेपर, आज का पहला पेपर 20 तारीख को। और हमने जो है अपना जो है परीक्षा वाला कोड, पेपर कोड था, उसको मैंने, आप देखेंगे एडमिट कार्ड में कुछ दूसरा लिखा हुआ था और पेपर में कुछ दूसरा, मतलब पेपर कोड लिखा है। तो अगर आप लोगों की वो गलती हो गई हो कि आपने जो है जो एडमिट कार्ड पे लिखा उसका वो पेपर कोड लिख दिए हैं और ये पेपर में जो कोड लिखा है उसको नहीं लिखे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है जहाँ तक। लेकिन आगे से आप जो है पेपर वाला ही पेपर कोड वो अपने ओमार वाला जो सीट फ्रंट पेज पे कॉपी में लगा हुआ है उस पर आप भरिएगा। तो 2 नंबर में पहला क्वेश्चन था एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ लिखिए, तो अच्छा खासा आपने लिखा होगा। और दूसरा था सूक्ष्म शिक्षण, इसको भी मैंने बताया था अंतर वाले में बताया था, तो उसको भी आप लिख सकते थे 2 नंबर में। और अब क्रमित अधिगम का मूलभूत विचार क्या है, इसको भी मैंने बताया था, आप देखे होंगे जो क्वेश्चन था मेरे पे। शिक्षण तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसको आप जो है बना के लिख सकते थे, मैंने बना के लिखा था उसको। और इसके बाद जो है 4th क्वेश्चन था RCS के बारे में, ये मुझे क्वेश्चन नहीं पता हुआ था। शिक्षण एवं अनुदेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको मैंने सीरीज से पढ़ा था। और भाषा प्रयोगशाला के मुख्य उपकरणों में कौन कौन से आते हैं, इसको मैंने बना के लिखा था, वो भी मुझे नहीं पता था। और एक अच्छा शिक्षण प्रतिमान के क्या क्या कार्य हैं, इसको भी मैंने लिखा था, इसको भी मैंने पढ़ के गया था। और सारे टॉपिक से जो है मिलता जुलता, एक दूसरे टॉपिक से मिलता जुलता है, तो आप अच्छे से ही कर डाले होंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था 9वें नंबर का, कक्षा में शाब्दिक संप्रेक्षण की किन्हीं 4 बाधाओं का उल्लेख कीजिए, मतलब आप क्लास में अगर पढ़ाते हैं तो फिर इसके दौरान क्या क्या बाधाएँ आ सकती हैं उसके बारे में पूछा था। WWW से आप क्या समझते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब, जैसा कि आप जानते हैं टिम बर्सली जिन इसकी खोज करता थे। इसके बाद आपका आ गया जो है 5 क्वेश्चन से 8 नंबर के थे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है अथवा अथवा में करके थे। तो आपने कौन सा क्वेश्चन किया, मैंने इसमें जो है प्रश्न नंबर 2 दूसरे वाले में मैंने चिंतन कौशल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, मैंने इसको लिखा था। आपने क्या लिखा था जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और एडगर डेल का अनुभव शंकु क्या है, इसको भी मैंने बताया था आपको, और ये भी अगर आप उसको पढ़ के गए होंगे तो इसका भी आपका तैयार ही, मतलब पूछा रहा, इसको मैंने पूरा अच्छे से लिखा था। और इसके बाद ये 4th क्वेश्चन पूछा था, प्रणाली उपागम क्या है, शिक्षा में प्रणाली उपागम के कौन कौन से पद हैं, इसको मैंने लिखा था कि शिक्षा में जैसे 3 है तो उसको मैंने पूरा लिखा था। और इसके बाद 5वां मैंने लिखा था, वर्तमान शैक्षिक परिस्थिति में शैक्षिक टेलीविज़न सबसे सशक्त शिक्षण साधन है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, इसको मैंने लिखा था। तो आपने क्या लिखा था 5वें में, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो लिखे थे कि अथवा करके लिखे थे, ऐसे मैंने काफ़ी क्वेश्चन 5 नंबर के जो थे उसको अथवा वाला ही लिखा था। और इसके बाद मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है, मैंने उसको लिखा था। और इसके बाद खंड सी वाला जो था उसको आप देख लीजिए, 15-15 नंबर का था, जिसमें मैंने 4 पेज भरा था। और 4 पेजों में मैंने पहला जो किया था वो किया था मैंने 9वां क्वेश्चन, शिक्षण को परिभाषित कीजिए, शिक्षण के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए, मैंने इसको लिखा था। आपने क्या लिखा था, और इसके बाद जो मैंने लिखा था 11वां क्वेश्चन, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, शिक्षण एवं अधिगम में इंटरनेट की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ऐसा कुछ मेरा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ काफ़ी क्वेश्चन जो है पहले वाले थे, और काफ़ी क्वेश्चन मेरे जो है सीरीज से, प्लस जो है जो मैंने कॉलेज से नोट्स बना था उससे अधिकतर क्वेश्चन फंस गए थे। बस यही था कि रिविज़न करना था, तो रिविज़न बहुत खास नहीं हो पाया था, लेकिन जितना हो पाया था उसके हिसाब से पेपर ठीक ही ठाक गया है, और देखा जाएगा। तो आप अपना कमेंट सेक्शन में व्यू छोड़िए कि आपका पेपर कैसे गया। और अभी दोपहर है तो इसीलिए मैं सोचा वीडियो बना लूँ, देखता हूँ आप सबका। और अगर आप कहेंगे तो जो अभी मेरे जूनियर आने वाले हैं, तो मैं अपना ये जो बुकलेट क्वेश्चन पेपर वाला बुकलेट मिला है उसको मैं अपने
यूट्यूब पे जो अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन की अथवा में और जो क्वेश्चन क्या थे, क्या क्या क्वेश्चन आता है। और मैं देख रहा था आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे काफ़ी यूट्यूब चैनलों से कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं मिलता, तो उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपलोड कर दूँ, क्योंकि आने वाले जो जूनियर हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो को देखकर। तो जय हिंद, जय इंडिया, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी। आपके पेपर कैसे गया जरूर बताइए। जय हिंद।